नमस्कार। तो आज आप हम केबीसी ग्लोबल स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। केबीसी ग्लोबल की बात की जाए तो स्टॉक कंटिन्यूअस गिराव देखने को मिले। कंटिन्यूअसली आज थोड़ा सा पुल बैक नज़र आया, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पुल बैक से कोई खास यहाँ पे अपडेट नहीं, क्योंकि इतने खास वॉल्यूम्स भी नहीं आए। पुल बैक हो रहा है तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे चाहिए स्टॉक के अंदर, जो कि कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा सके। क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर आप लोग नज़र डालोगे तो टोटली सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। मूविंग एवरेज टोटली नीचे की तरफ झुके हुए, जिसके कारण स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी इतने खास नज़र नहीं आ रहे जो कि स्टॉक यहाँ पे पुल बैक कर सके। वॉल्यूम काफ़ी सारे मीन्स यहाँ पे कम आ रहे हैं और उसी के साथ भी वीक मोमेंटम जनरेट हो पा रहे, क्योंकि 52 वीक लो के करीबन ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक, और देखा जाए तो तकरीबन ऑल टाइम लो के करीबन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो लो था यहाँ पे उसको भी सपोर्ट लेके सस्टेन नहीं हो पाया स्टॉक, वही से यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और नीचे और वीक होने के चांसेस बन सकते हैं। टाइम है तो आप पोजीशन बुक कर सकते हो और यहाँ पे अच्छे स्टॉक में आपका लॉस भी रिकवर कर सकते हो। आपके एनालिस्ट से पूछ कर डिसीजन बना सकते हो।